जमीयत उलमाए हिंद की ओर से पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में मुस्लिम आरक्षण के लिए धरना आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। औरंगाबाद में विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने शुक्रवार को जमीयत उलमाए हिंद ने मुस्लिम आरक्षण के लिए धरना आंदोलन प्रदर्शन किया है और हुकूमत ने ये सारे अंदाजे लगा लिए कि मुसलमान किस दर्जे की बैकवर्ड स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं जमीयत उलमा के बैनर के तले कि मुसलमानों को कम से कम 5% जो है रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि मुसलमानों का इस मुल्क की आज़ादी में बराबर का हिस्सा है और हम इस मुल्क के वफादार हैं, इसमें किसी का कोई शक व शुबा नहीं है। इसलिए हुकूमत जो है इसको नज़रअंदाज न करे, इसमें संजीदगी का मामला करे और ये तहरीक अगर इसी तरह नहीं होगी पूरी तो फिर इसको पूरा मुल्कगीर लेवल पर हम जो है हमारे बड़ों के इशारों पर उसको आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं हम कि अल्लाह ताला हमको इसमें कामयाबी अता फरमाए। अगला धरना कब? अगले धरने का भी ऊपर से कोई महाराष्ट्र में कोई जो है तिला नहीं है, लेकिन अभी इसके बाद जो बड़ों की तरफ महाराष्ट्र में पूरा चल रहा है। आज सब जगह हर जगह से जो है हर ज़िले से हर ताल्लुके से जो है मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। इसके आगे की जो है जो कोई पॉलिसी होगी वो ऊपर तय की जाएगी। जमीयत उलमा औरंगाबाद और जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में हर ताल्लुके ज़िले के अंदर 5% रिजर्वेशन के लिए धरना आंदोलन किया जा रहा है और हम आज डिवीज़न कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे कि हमें 5% रिजर्वेशन दिया जाए और नहीं दिया गया तो इसके आगे जो आंदोलन करना है हम करेंगे।